मैं ये मैं बता, करने से तूने क्या हो गया, मेरी क्यों आवाज रखना है बंद क्यों यार। अरे करी? भाई तूने बता, आवाज तूने तो क्यों बोला था बंद कि तू की ये नहीं बता। मैं कल बोलेगी। इतना सब अबे कुछ काम बोल रहा करो था, तूने ना आवाज क्यों बंद करी? भाई, इस वजह से देखो लड़ाई हो रही है। ठीक है तो भाई, हाँ काव्या का आज का एपिसोड बड़ा ही गजब गया हो, बहुत ही ज्यादा मजेदार गया था। और आज के एपिसोड का रिव्यू करने में भाई मुझे भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आज के एपिसोड ना, मतलब सोचा था कि आज हमें लड़ाई वाला इंसिडेंट नहीं दिखाया जाएगा, बट दिखा दिया। और जिस तरीके से दिखाया गया, जो वहां पे लोकेशन की इनकी जो चॉइस थी, वो सब बड़ी अमेजिंग थी, बड़ी मजेदार है। और मैं सच में इस टाइप की चीजों को देखने के लिए काव्या के शो को फॉलो कर रहा हूँ, आगे भी फॉलो करता रहूंगा। तो चलिए भाई, आज के एपिसोड का रिव्यू करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेली टीवी न्यूज विद एन ए, और महाशय का नाम है, बोल भाई। नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना। अरे क्यों बोलूं, तो मेरी आवाज म्यूट ही करनी है तेरे को? मुझे बोलना ही नहीं है, तू कर। देखो जो करना है कर, मैं अब नहीं बोलूंगा, आई समझ? तू कर अपना रिव्यू, और जो लोग मुझे देखने आए हैं ना, बस अब देखिए उनका गुस्सा। बोल बोल तू, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक अरे बोलना, मैं क्या नखरे खा रहा, बोलना। है, मैं बोलूंगा, लेकिन पहले तू ये मुझे बता, तूने मेरी आवाज को क्यों म्यूट किया? मुझे इस बात का जवाब दे। तो मुझे नहीं पता, तो पहले अब इस बात का जब जवाब देगा तभी मैं कुछ बोलूंगा। क्यों जनता, चाहिए ना जवाब? अच्छा सुन सुन सुन, मैंने ऐसा क्यों किया? ठीक है तू सुन ले, आज सुन ले। आपको भी बता देता हूँ, कल भाई अगर वीडियो में देखा होगा तो ये महाशय थे पीछे। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने इनकी आवाज कर दी थी बंद। अब ये महाशय जो है हमारे गुज्जू भाई साहब को लग रहा है गुस्सा कि आखिर मैं इतना सब कुछ बोल के गया था भाई, तूने क्यों नहीं सुनाया। उसका रीजन ये था कि भाई तू बोलेगा ना तो ये वीडियो वैसे ही ऑनलाइन अप्रोक्स 10 मिनट के आसपास ली जाती है। ठीक है, अब इसकी और मेरी, हम दोनों की बातों का कंबाइन कर देंगे तो वीडियो 20 मिनट से भी ऊपर निकल जाएगी, तो कौन देखेगा वीडियो फिर? तेरे होने का यहाँ पे फायदा क्या है ये बता। हाँ सही बात है ना भाई, 20 मिनट का कौन रिव्यू देखेगा, कोई नहीं देखेगा ना। तो बस इसी वजह से भाई तेरा म्यूट कर दिया मैंने सचिन। ठीक है अब बोलेगा ना, ठीक है अब बोल। इस बारे में तो अभी हो जाने दे, ये खत्म, फिर तो मैं तेरे को बताता हूँ अच्छे से। तब तक के लिए मेरा नाम है गज्जू, और आपका स्वागत है टेली टीवी न्यूज, जिसमें आता है ए ना कि ई। और आज शुरू करने वाले हैं हम काव्या के एक और एपिसोड का रिव्यू, जो कि भाई रजत करेगा, मैं नहीं, मैं शांति रहूंगा। पहले आज भी मुझे म्यूट कर दे तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो चलो भाई आज के एपिसोड का चलो रिव्यू शुरू करते हैं। और रिव्यू में सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी आज के एपिसोड में, ये चीज अच्छी लगी कि देखो काव्या के साथ क्या है, काव्या के साथ ने एक सीन मतलब काफी ज्यादा बड़ा, मतलब स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है, वो ये कि काव्या अगर किसी भी तरीके से गलत फंसती भी है ना, गलत कहीं पे कुछ होता है, तो उसके पास कोई ना कोई सबूत होता है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। और आज भी ऐसे ही हुआ, उसके पास जो हमारे ओमी भाई साहब की जो साली है, उनका जो इयररिंग था वो फंस गया उनकी साड़ी में। अब साड़ी में इयरिंग फंसने की वजह से जो काव्या की अम्मी थी, उसने मतलब ये हाईलाइट किया कि यार ये किसका है, ये तेरा है क्या, कहाँ से लगाया ये। अब वो देख के ऑब्वियस सी बात है काव्या के कान खड़े कि आखिर मुझे किसी ने बाहर तो निकाला था, बट वो था कौन ये नहीं पता। ठीक है अब इयरिंग मिल चुका है, अब वो यहाँ से क्या करेगा, वो अपने दिमाग पे जोर डालेगी कि भाई कहाँ है, कौन है, कैसे, जो हमें आगे प्रीव्यू में देखने को मिला भी, जो आने वाला एपिसोड है उसका। बट यहाँ पर आदि की एक्टिंग को लेकर ना एक बड़ी मतलब दिलचस्प बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आदि को जब ये बात बताई ओमी की साली ने कि भाई उसको क्या बोलते हैं आप, बोला भी नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, और ये बात सुन के कि मतलब वो शायद प्रेग्नेंट है, हमारे जो आदि भैया का जो रिएक्शन था ना, वो रियल लाइफ में एक रियल लड़के से काफी ज्यादा मिलता है, सच बोल दो। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, किसी लड़के को कोई लड़की ये बोलती कि भाई शायद वो प्रेग्नेंट है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुछ पंगे आ जाए तो फिर मैं लफड़े में आ जाऊँ। तो यहाँ पे आदि का सेम वही रिएक्शन देखने को मिला, और बड़ा मुझे ये अच्छा लगा कि यार मतलब इस टाइप की चीजें हुई। बोल क्या बातें कर रहा है यार, मतलब ये कॉमन सी चीज है भाई मेरी, जरूरी थोड़ी ना कि हर लड़का उस फेज से गुजरा हो। अच्छा खुद सोच, नहीं तो सोच, तेरी
आसपास कोई ऐसी लड़की है जो मोहल्ले में है, या फिर कोई तेरी फ्रेंड है, या फिर कोई क्लासमेट है, कोई भी तेरी थोड़ी बहुत तो बातचीत है, ठीक है। अब उसने देखो बोला कि भाई उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है क्योंकि तो उसको क्लियर की शायद वो प्रेगनेंट है। भाई तेरा क्या रिएक्शन होगा, तू तो डरेगा कि नहीं डरेगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा, मत डर भाई। हम तो डरते हैं, हम रियल लाइफ में तो डरते हैं भाई। तू मत डर, तू रह ऐसे, ठीक है। अब भाई अरे भाई तू माफ कर, मैं बोल लूँ, मैं बोल लूँ, वरना फिर तू बोलेगा कि भाई तूने मेरी आवाज म्यूट कर दी। हाँ अब मैं बोलता हूँ, ठीक है। हाँ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चैनल मेरा, रिव्यू मेरा, आकर ये बैठ गया। नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। ठीक है ठीक। अभी भाई यहाँ पे जी एक्सप्रेशन है ना आदि का है, बड़े मुझे पसंद आया, बड़े मजे मतलब पसंद आए भाई। इस बंदे ने एक रियल लाइफ जैसा एक जो होता है एक्सप्रेशन लड़के का वो उठाया। बट अब दूसरी साइड जो मतलब एक कहानी मेरे दिमाग में चल रही है, वो कहानी ये चल रही है कि अब यहाँ पे जो है ओमी की जो साली है वो यहाँ पे यूज करेगी इस सब बातों का कि भाई ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया है तो यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब सीन बैठ सकता है, इसको मैं आप फंसा दूंगी कि नहीं ये मेरे बच्चे का बाप बना रहा है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वो वैसे भी ऑटोमेटिकली क्या है, मंत्री का बेटा है तो यहाँ पे शायद वो अपने बाप की इज्जत के लिए वो यहाँ पे शायद कर भी ले, हो सकता है ऐसा। बट ये सिर्फ एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा है, परसेप्शन बन रहा है, बाकी कुछ और नहीं है। बट ये सीन बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो थी मैं मुझे बताऊंगा दूसरा, बता मैं नहीं रहा। बता सकता, बताऊंगा मैं, ठीक है, सुन चुपचाप से भाई। दूसरा पॉइंट पता मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा, जब ना मालिनी जी थी हमारी, वो बात कर रही थी काव्या जी से, और जब बात करते टाइम हमारे गिरिराज प्रधान की नोटी नोटी हरकतें देखने को मिल रही है, आया हाय बड़ा मजा आया। हमारी गिरिराज प्रधान कैसे गिरगिट वाले ऐसी गर्दन उठा उठा के चिक चिक के देख रहे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो भाई ये बड़ा चीज मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, गिरिराज प्रधान जी कितने नॉटी हो रहे हैं अपने 60-70s, नहीं 60-70s ज्यादा बोल दिया, 40s-50s में, क्योंकि ये जो नॉटी पन है उनका, हम लोगों ने एक एपिसोड पहले भी देखा था, जब हमारी काव्या जो है वो आई थी गुब्बारे लेकर, किस सही बात है, बिल्कुल सही तरीके बात से वो है। हमारी आदि की मम्मी के साथ गए थे, है सही ना, का सही कि का सही नॉटी टटी का। बहुत हो रहे हैं। हाँ तो भाई देखते हैं, नहीं बता, तू भी काफी अच्छे से शो देखता है, मुझे लगा कि तू तो बस ऐसे ही यहाँ पे आके बैठा, लेकिन नहीं तू सच में शो देखता है अच्छे से। बढ़िया बढ़िया, कीप इट अप कीप इट अप। किस दिन तेरा भी खुद का एक चैनल होगा गज्जू भाई नाम से, ठीक है, कीप इट अप। हाँ अब मैं बोलता हूँ, ठीक है, तू चुप कर चुप कर। अब यहाँ पे जो सीन बताया ना, ये सीन भाई मुझे भी पर्सनली पसंद आया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो हमारा गिरिराज ऐसे मुंडी आगे करके देख रहा था ना भाई, मतलब कसम से बताओ इतने सारे कैरेक्टर हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स की एक्टिंग है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनका सब कुछ है, बट एक्चुअल में गिरिराज प्रधान का जो है ना पूरा का पूरा रोल इतने मस्त, इतने परफेक्ट एक्टर को मिला है ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। बंदा सीरियस मोड से कब फनी मोड से कब एकदम से फिर से सीरियस मोड आता, कहाँ से कहाँ उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं देखते देखते समझ भी नहीं आता। और फेशियल एक्सप्रेशन भाई बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं भाई इसके फेशियल एक्सप्रेशन तो बदले तो समझ नहीं आ, बंदा भाई एक नंबर का सीरियसली। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो हमारी जो साली चीज थी, ठीक है, ओमी, उन्होंने भाई जो गेम खेला भाई एक लाजवाब गेम खेला है, जिस तरीके से पूरे गिरिराज प्रधान की फैमिली को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। गिरिराज तो भाई उसकी प्लानिंग कर रही है तो उसकी बात तो नहीं, वो मेरी भी प्लानिंग कर रहा है उसकी भी बात नहीं है, बट जिस तरीके से बाकी जो लोग हैं आदि की मम्मी, आदि और जो क्या कहते हैं आदि की भाभी यानी की ओमी की वाइफ, सबको जैसे कैसे एकदम पकड़ के जकड़ के रखा है ना भाई, मजा आ गया देखने में। और अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो जकड़ा है ना ये जकड़ा जल्दी छूटेगी नहीं, क्योंकि सब लोग ये समझ गए कि हाँ भाई आने वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पे जो हमारा है आदि और जो ओमी जी की साली है उनके साथ ही कंटिन्यू होगा। काव्या बीच में आएगी इन लोगों के, फिर चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, तो यही कंटिन्यू होता रहेगा। तो भाई मैं ये चीज देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे कहानी कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाती है। बाकी अब आपको कुछ बोलना है तो आप एंडिंग कर लीजिए, फिनिशिंग करें, ठीक है। यार एंडिंग में अगर सच करो अपनी वेबसाइट से, भाई मुझे आज के एपिसोड में ना एंडिंग करते हुए इस रिव्यू का मैं अगर बताऊं तो सबसे अच्छी चीज ये रही कि काव्या जब उस जो ड्राइवर उसको पकड़ती है, तो कैसे एक माइनर माइनर सी ड्रेस पे चाबी घूम रही है, तो ट्रक चालू हुआ इधर चाबी घुमाने का, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पत्थर मारा शीशा फूटा चेहरे पे लगा, ना कैसे छोटी छोटी डिटेल्स इन लोगों ने आज मतलब मैनेज करी है ना, मुझे बड़ा मजा आया।
बहुत ज्यादा मजा आया। और सच बताऊं, ये कुछ माइनर से ऐसी डिटेल्स होती हैं जो लोग शोज में मिस कर देते हैं, बट ये एक ऐसा शो है जो मिस नहीं करा। तो भाई मुझे ये एग्री, चीज देखने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं इस बंदे की बात से एग्री करता हूँ। तो भाई यही था आज काव्या के एपिसोड का प्रॉपर रिव्यू, एंड सीरियसली एपिसोड बढ़िया जा रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन लोगों ने इम्प्रूव करी है, जो छोटी मोटी कमियां थी वो सब भी पूरी तरीके से खत्म कर दी लोगों ने। कुछ छोटी मोटी कमियां हो जाती हैं जो 10-15 एपिसोड में, हफ्ते भर के एपिसोड में से किसी एक एपिसोड में निकल आए, समझ में आता है, लेकिन जो एक बड़े स्केल में जो कमियां हो रही थी उन सबको इन्होंने कंट्रोल में किया। एंड आई एम सीरियसली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द काव्या एंड देयर होल टीम की उन्होंने इन सब कमियों को बिल्कुल खत्म कर दिया जड़ से। बाकी देखते हैं अब आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ आएगी, क्योंकि आने वाला जो एपिसोड है वो अगले हफ्ते ही आएगा, तो मैं अगले हफ्ते देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और हमारे गज्जू भाई साहब एंडिंग कर दीजिए, आउट्रो कीजिए आप। अब क्या यार, हम हैं कौन, आप ही हमारे गद्दी पे बैठेंगे, तो आप ही कीजिए आउट्रो। एंड ऑल, आपको मेरा आना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके से मुझे और मेरी शुद्ध मीठी वाणी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जब भी मैं आऊँ आप मुझसे मिल सकें। हो गया, ये तेरे लिए नहीं बनता भाई रिव्यू, ये काव्या के लिए बनता है, काव्या के फैंस हैं यहाँ पे, समझा। तो यहाँ पे ये मत बोला कर कि मेरी शुद्ध प्यारी वाणी को सुनने के लिए आता है, ये दिबेर है, नहीं तो भाग जाएंगे सबके सब। अब देखो भाई, इन भाई साहब ने जो बोला इनको इग्नोर करो, हम अपना आउटरो करेंगे। तो भाई काव्या का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और काव्या के आने वाले एपिसोड से आपकी क्या होप्स है, क्या आपको कुछ ना कुछ लग रहा है कि कुछ बड़ा एक्साइटिंग होगा या फिर नहीं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू ब्रजत और गज्जू के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट रिव्यू।